हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आज ज़बरदस्त अपडेट के बारे में जानकारी यहां पे देने वाले हैं। अगर आपने रेलवे पैरामेडिकल कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरा है, चाहे किसी भी पोजीशन के लिए, जी हाँ, रेलवे पैरामेडिकल कैटेगरीज 1376 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, ये बिल्कुल परमानेंट सरकारी भर्ती है। अगर आपने इस फॉर्म को भरा है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। इसमें हम चर्चा करेंगे ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट के बारे में, एग्ज़ाम किस महीने होगा इसकी जानकारी देंगे, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में जानकारी देंगे, अगर आप महिला हो तो आपका पेपर कहाँ पे होगा इसकी जानकारी देंगे, अगर आप पुरुष हो तो आपका एग्ज़ाम कहाँ पे होगा इसकी जानकारी देंगे, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, आप लोग बिहार के रहने वाले हो लेकिन आपने जो है बिलासपुर, मुंबई के लिए, बेंगलोर के लिए फॉर्म भरा है, फिर आपका पेपर कहाँ पे होगा इसकी जानकारी देंगे, सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे और कितने महीने का टाइम है आपके पास तैयारी करने के लिए इसकी भी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेलवे नर्स भर्ती 2024 दोस्तों, रेलवे की तरफ से 1376 पदों पर पैरामेडिकल कैटेगरीज नर्सिंग ऑफिसर, ELT, फार्मा, फील्ड वर्कर, पैरामेडिकल, इसके अलावा बहुत सारे पोजीशन पर परमानेंट भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। इसका एग्ज़ाम कब होगा, चलिए सबसे पहले एग्ज़ाम डेट की जानकारी देख लेते हैं। बिल्कुल ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट की जानकारी देंगे और बताएंगे कि आपका जो है जो एग्ज़ाम डेट की नोटिस है ना, ये RRB की वेबसाइट पर कब आएगी इसकी भी जानकारी देंगे और एग्ज़ाम किस महीने होगा कन्फर्म जानकारी देने वाले हैं। चलिए चलते हैं नोटिस पर। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने पैरामेडिकल कैटेगरीज के लिए फॉर्म भर दिया है तो अभी से आप लोग तैयारी यहां पे शुरू कर दो, क्योंकि रेलवे जो है अचानक यहां पे हमला करता है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं बोल रहे थे कि LPSI टेक्नीशियन JEE का पेपर जनवरी में होगा या फिर फरवरी में होगा, यही जो है प्लानिंग यहाँ पे चली थी। लेकिन अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ पे देखा होगा तो मैंने बोला था कि SSC MTS का जो पेपर है 14 नवंबर तक चलेगा, 14 नवंबर तक SSC MTS का पेपर चलेगा, और जो SSC MTS का पेपर है TCS यहाँ पे करवा रही है, इसलिए जो है, और रेलवे का भी पेपर 200 TCS करवा रही है। तो जैसे ही 14 नवंबर SSC MTS का पेपर एंड हो जाएगा, इसके बाद जो है रेलवे का पेपर यहाँ पे TCS लेना शुरू कर देगा, इसलिए नवंबर और दिसंबर में जो है रेलवे का पेपर 100% होगा और जनवरी में जो पेपर होगा यह लगभग पैरामेडिकल का होगा, यही बताया जा रहा था प्लानिंग के तहत। लेकिन देखोगे तो सब कुछ तो सही है, नवंबर और दिसंबर में जो है LP का, SI का, टेक्नीशियन का, JEE का पेपर हुआ, लेकिन वहीं बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं बोले थे कि JEE का भी पेपर जनवरी में होगा, LP का भी पेपर जनवरी में होगा। लेकिन अभी देखिए आपके सामने RRB ने ऑफिशियल एग्जाम डेट कैलेंडर यहां पे जारी कर दिया है, 1001% मैं बोल रहा हूँ, ये जो एग्ज़ाम डेट मेंशन है इसी एग्ज़ाम डेट में आपका पेपर होगा, 110% गारंटी मेरी है, क्योंकि रियल एग्जाम डेट की नोटिस रेलवे ने पब्लिश कर दी है। अब बहुत सारे बच्चों ने जो है, जो बच्चे थोड़े से यहाँ पे सुस्त हैं, उन्होंने बोला कि चलिए पेपर तो यार होगा जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, तो अभी मेरे पास बहुत सारे महीने हैं, अभी मेरे पास 4 महीने हैं, 3 महीने हैं, 5 महीने हैं, आराम से तैयारी करेंगे। लेकिन अचानक 7 अक्टूबर 2024 को जो है रेलवे ने यहाँ पर एग्ज़ाम डेट नोटिस निकाल दी, सभी वेबसाइट पर यह जो नोटिस मिल जाएगी, ये नोटिस चेयरपर्सन्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यहाँ पे जारी की है। और देखिए 25 नवंबर से जो है रेलवे की पेपर शुरू हो रही है, जो कि 26 दिसंबर तक चलेगी, इसमें LP का पेपर होगा, SI का पेपर होगा, टेक्नीशियन का पेपर होगा और JEE का पेपर होगा, क्लियर है। इसलिए मैं अभी आपको बता दूं, अभी से आप लोग तैयारी यहाँ पे लग जाओ, क्योंकि रेलवे अचानक हमला करता है। तो अब आपका पेपर कब होगा, 1001% मैं गारंटी से बता रहा हूँ, आपका पेपर किस महीने होगा उसी महीने को आप लोग टारगेट बनाइए, जिस महीने को मैं बताऊँगा आपका पेपर होगा 100% उसी महीने में आपका पेपर होगा, तो उसी महीने को आप लोग टेबल में नोट कर लीजिए, टाइम टेबल में, और आज से ही तैयारी यहाँ पर शुरू कर दो। रेलवे ज़बरदस्त वैकेंसी होती है, बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलती है, रेलवे एक अच्छी वैकेंसी है, रेलवे में लेवल 7 के तहत आपको सैलरी मिलती है, इसलिए रेलवे का अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। चलिए अब देखिए एग्जाम कब होगा,
देखिए मैं आपको बता दूं, 7 अक्टूबर को जो है रेलवे ने ऑफिशियली वेबसाइट पर ऑफिशियल माध्यम से एग्ज़ाम डेट की नोटिस यहाँ पे जारी कर दी है, जिसमें अभी फ़िलहाल इन्होंने जो है अगर बात करते हैं SI के लिए, LP के लिए, JEE के लिए और टेक्नीशियन के लिए और SI के लिए जो है एग्ज़ाम डेट यहाँ पे जारी कर दिया है। बाकी जो एग्ज़ाम अभी 2025 में होगा उसका एग्ज़ाम डेट कैलेंडर जारी नहीं किया है, यानी कि 2024 का एग्ज़ाम कैलेंडर रेलवे ने जारी कर दिया है और 2025 में जो एग्ज़ाम होगा अभी इन्होंने कैलेंडर जारी नहीं किया है। लेकिन दिसंबर में जो है या फिर लास्ट नवंबर में जो है 2025 के लिए कैलेंडर रेलवे जारी कर देगा। अभी जो है 6 अक्टूबर को एक नोटिस यहाँ पे वायरल हुआ था, ये जो एग्ज़ाम डेट की नोटिस है यही नोटिस वायरल हुआ था और सभी को लग रहा था फेक है, लेकिन वैसे ऑफिशियली नहीं है, लेकिन ये 1001% यहाँ पे रियल नोटिस साबित हुआ, जिसमें सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। LP का जो पेपर है 25 नवंबर से 29 नवंबर तक चलेगा, यही एग्ज़ाम डेट में जो है रेलवे ने भी कवर किया है, यानी सब कुछ यहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट यहाँ पे मेंशन है रेलवे ने यहाँ पे अपने एग्ज़ाम डेट में ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, यानी कि ये बिल्कुल ऑफिशियली एग्ज़ाम डेट कैलेंडर है। अब देखोगे, मैंने बोला था बिल्कुल दोस्तों, मैंने बोला था कि पैरामेडिकल नर्सिंग का पेपर जनवरी में होने की संभावना है, लेकिन दोस्तों जनवरी में जो है कांस्टेबल का पेपर होगा, रेलवे कांस्टेबल का पेपर जनवरी में कराएगा और फिर फरवरी में जो है SSC GD का पेपर होगा। अब क्या है कि SSC का जो पेपर है TCS करवाती है, रेलवे का भी पेपर दोस्तों TCS करवाती है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम जो है लग रहा है, इसलिए आपका जो पेपर होगा मार्च 2025 में होगा। अभी देखोगे तो जो कांस्टेबल है इसमें ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, इसलिए इसका पेपर 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में चलेगा, फिर 15 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में चलेगा, फिर 27 जनवरी का पेपर होगा, फिर 3 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच में पेपर चलेगा, यानी कि रेलवे कांस्टेबल, रेलवे RPF कांस्टेबल का पेपर 7 मार्च 2024 तक चलेगा। इसके बाद दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पर पैरामेडिकल कैटेगरीज का पेपर होगा, क्योंकि JEE का तो पेपर हो जाएगा, SI का पेपर हो जाएगा, टेक्नीशियन का पेपर हो जाएगा, LP का पेपर हो जाएगा और कांस्टेबल का पेपर जनवरी में हो जाएगा और फिर थोड़ा सा मार्च में बचता है तो 3 मार्च से 7 मार्च के बीच में भी हो जाएगा। इसके बाद पैरामेडिकल कैटेगरीज का पेपर होगा, जी हाँ, पैरामेडिकल कैटेगरीज का जो है 1376 वैकेंसी है, इसका CEN नंबर है 04/2024, इसका पेपर मार्च 2025 में होगा। अब देखोगे तो 7 मार्च 2025 तक कांस्टेबल का पेपर होगा, इसके बाद 8 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो है रेलवे पैरामेडिकल सभी पोजीशन का एग्ज़ाम होगा, 8 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में फार्मासिस्ट का पेपर होगा, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पेपर होगा, डाइटिशियन का पेपर होगा, हेल्थ एंड मलेरिया का पेपर होगा, ऐसे जो भी रेलवे पैरामेडिकल कैटेगरीज में जो भी पोजीशंस है सभी का पेपर 8 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में पेपर होगा। तो अभी जो है आधा अक्टूबर आपके पास है, नवंबर आपके पास है, दिसंबर आपके पास है, जनवरी आपके पास है और फरवरी आपके पास है, तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी लगभग 5 महीने, कन्फर्म 5 महीने आपके पास टाइम है। आप लोग 5 से 5.5 महीने के अंदर ही आप लोग अच्छे से तैयारी यहाँ पे करो, क्योंकि 8 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपका 100% पेपर होगा। अब बात करते हैं पेपर जो है कब होगा, मैंने बता दिया है ऑनलाइन आपका पेपर होगा। एग्ज़ाम सेंटर की बात करते हैं, देखिए अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, आपने गोरखपुर के लिए फॉर्म भरा है, तो जैसे आप लोग जहाँ के रहने वाले हो, ऐसा है नहीं कि अगर आप लोग जॉब कर रहे हो बेंगलोर में और आपने फॉर्म भर दिया है गोरखपुर, तो आपका बेंगलोर में पेपर नहीं होगा, आप लोगों का जो है जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है या फिर बोलेंगे जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जहाँ पे आप लोग रह रहे हो, जहाँ पे आपके माँ बाप रह रहे हैं, जहाँ पे आप लोग रह रहे हो, क्लियर है, जिस ज़िले में आप लोग रह रहे हो उस ज़िले से 250 किलोमीटर के अंडर में, 250 किलोमीटर के अंडर में जो है फीमेल का पेपर होगा, फीमेल महिलाओं का पेपर होगा, और जहाँ से आप लोग जहाँ आप लोग रह रहे हो, जिस डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हो उससे 500 किलोमीटर के अंडर में मेल का पेपर होगा, यानी कि पुरुष का पेपर होगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था पहले ही कि अगर आप लोग गोरखपुर के लिए फॉर्म भरोगे, मान के चलिए अगर आप लोग हरियाणा के रहने वाले हो
हरियाणा पानीपत के रहने वाले हो और आपने इलाहाबाद से फॉर्म भरा है, गोरखपुर के लिए फॉर्म भरा है या फिर चेन्नई के लिए फॉर्म भरा है, तो देखिए आपका पेपर कहाँ पे होगा। तो जो अगर आप लोग पानीपत के रहने वाले हो तो पानीपत से लेकर 250 किलोमीटर के अंडर में महिलाओं का पेपर होगा। वहीं जो पुरुष हैं उनका जो है पानीपत से लेकर 500 किलोमीटर के अंडर में जो भी सेंटर होगा वहाँ पर आपका पुरुष का पेपर होगा। क्लियर हो चुका है? तो जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है उससे 250 किलोमीटर के अंडर में महिलाओं का पेपर होगा, और जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका सिटी है, वहाँ से 500 किलोमीटर के अंडर में पुरुष का पेपर होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको 2 सेकेंड के अंदर विज्ञापन मिल जाएगी। RRB पैरामेडिकल कैटेगरीज का विज्ञापन ओपन हो चुका है। ये आप लोग सब कुछ मेंशन है, इसका CEN नंबर है 04/2024। यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, 16 सितंबर तक आपने फॉर्म भरा था और इसमें डाइटिशियन लेवल 7 के तहत वैकेंसी है तो इसका भी पेपर होगा। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पेपर होगा, आइडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरापिस्ट का पेपर होगा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का पेपर होगा, डेंटल का पेपर होगा, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 का पेपर होगा। तो इसमें जो भी पोजीशन है लगभग 20 पोजीशन है और इन 20 पोजीशन का पेपर 8 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में दोस्तों होने वाला है। अभी से आप लोग तैयारी यहाँ पर शुरू कर दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए सिलेबस इसलिए देख लेते हैं, सिलेबस देख लो और सिलेबस को नोट यहाँ पर कर लो। यहाँ पे देखिए आपका एक ही पेपर होगा, जी हाँ, द क्वेश्चन पेपर फॉर सिंगल स्टेज CBT। तो CBT मोड में आपका ऑनलाइन पेपर होगा, बस एक ही पेपर होगा और वो भी ऑनलाइन पेपर होगा। आप लोग किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे पाएंगे, अगर आपने हिंदी चूज किया है तो आप लोग इंग्लिश में भी पेपर दे पाएंगे, जी हाँ। यहाँ पर देखिए जो प्रोफेशनल एबिलिटी है, जो आपका मेन पार्ट है टेक्निकल, जैसे नर्सिंग वाली हो तो नर्सिंग से क्वेश्चन है, फिर अगर आप लोग फार्मासिस्ट हो तो फार्मेसी आपका प्रोफेशनल एबिलिटी होगा। तो जो आपका मेन पार्ट है टेक्निकल यानी प्रोफेशनल एबिलिटी, उससे 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 70 नंबर के होंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस से जो है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे। जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जो है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे। जनरल साइंस 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे। तो 70 क्वेश्चन आपके जो मेन पार्ट है टेक्निकल से पूछे जाएंगे, और जो आपका 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन जो आपका नॉन टेक्निकल है, जनरल अवेयरनेस, जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग और जनरल साइंस, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 100 क्वेश्चन 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक नंबर जो है आपके यहाँ पर कटने वाले हैं, बाकी एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। अभी फ़िलहाल जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट को जो है DV के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, इसलिए कट ऑफ आपकी ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम होगा और जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट को यहाँ पे DV के लिए बुलाया जाएगा, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे देख लो, UR कैटेगरी के लिए, EWS के लिए कम से कम 100 में आपको 40 नंबर लाना है तभी क्वालिफाई हो सकते हैं। इसके अलावा OBC SC ST वालों को कम से कम नहीं OBC और SC वालों को जो है कम से कम 100 में 30 नंबर लाना है तभी क्वालिफाई होंगे। इसके अलावा ST वालों को जो है कम से कम 100 में 25 नंबर लाना है तभी आप लोग क्वालिफाई होंगे। 1:1 के बेस पर आप लोगों को DV के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मैंने आपको सारी जानकारी एक एक करके दे दी है। आपका एग्ज़ाम 8 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में होगा, ये बिल्कुल कन्फर्म है, चेंज यहाँ पे नहीं होगा। इसी को टारगेट रख के आप लोग तैयारी करिए। धन्यवाद।